मुझे हैरत हो रही है कि आप अपनी मर्जी के जो रिमार्क्स हैं उनके ऊपर आप अपना केस बिल्ड कर रहे हैं। और भाई आपको भी पता है, सो आप अपना सवाल जजमेंट के हिस्सा नहीं होता है, मैं अपना जवाब दे रही हूँ चंद सवाल आपके ऊपर। बस आपकी बात सुन ली ना, अब नहीं ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं। आज किस मुंह से वो आ रहा है यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए? पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया, एक रुपए का काम नहीं किया है, परेशान हूँ। चौथी मरतबा वजीर आजम आप पहले से बनवा चुके हैं, मैं क्यों परेशान हूँ? मैं तो बैठा हूँ अपनी जगह पे, खालफत करूंगा, डंडे की चोट पे करूंगा, मीडिया के सामने करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। आप परेशान ना हो, आपको अपने नाइली सरबरा को पहले नाइली से खत्म करा के फिर चौथी मरतबा की बात करें। ना 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 ना, रुको, आप बात तो सुने सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज लाइव शो में नून लीग की जूठी और मकार औरत उज़्मा बुखारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल के दरमियान उस वक्त ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिली जब उज़्मा बुखारी ने कहा कि 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है मगर आज भी वहाँ अवाम पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। फिर कादर मंदोखेल ने जो उज़्मा बुखारी को खरी खरी सुनाई, मज़ा ही आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मुझे अपने मजलूम और मासूम और प्यारे भाई से दिली हमदर्दी है जिसकी पार्टी जो है वो बेचारी फंस गई थी, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यही बात हम आपको समझाते रहे जो आज आपको समझ में पता नहीं अभी तक भी नहीं आई, आपने शायद देखी नहीं है प्रोसीडिंग्स क्या हो रहा है। उसके अंदर बाकायदा तौर पर जजेस कराम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कानून के अंदर अगर कोई आईने पाकिस्तान में अगर कोई फ्लॉ है या नहीं लिखा गया तो ये कानून साजों का इख्तियार है कि वो इसके अंदर चेंज कर ले, और इलेक्शन एक्ट के अंदर जब एक चेंज आ चुका है तो उसको डस्टबिन में नहीं डाला जा सकता। और वो अभी जो कुछ देर पहले चल रहा था वो कह रहे थे कि, और ये भी आपको पता है आप वकील हैं, कि अदलिया अपने फैसलों को, गलत फैसलों को दुरुस्त करने का इख्तियार रखती है। इसीलिए जो बंदों जो हमारे बंदियाल साहब थे एक केस में और जो है गुफ्तगू फरमा के गए, दूसरा केस बिल्कुल ही कॉन्ट्रोडिक्टरी और जो है वो कर दिया जिसके ऊपर आज बहुत बहस हुई। और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह हो, काजी फाजिलसा साहब हो या बाकी लोग हों, वो इसके ऊपर यही तो बहस कर रहे हैं प्यारे भाई कि इलेक्शन एक्ट जो पार्लियामेंट ने बना दिया है उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर जो है ये इलेक्शन एक्ट जो कायम रहता है तो उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं ये बालातर है या पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, ये इसके ऊपर बहस हो रही है। फैसला आएगा पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो मेरी बहन आप वकील हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये जो कोर्ट में ऑब्जर्वेशन होता है, कोर्ट में अपना राय देता है, उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। जो फैसले में लिखा जाता है वही आखिर होता है। जज साहब ने अपनी प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी बात कर ली है उसके कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, न वो जजमेंट का हिस्सा होता है। मेरी बहन आप वकील भी तो है ना जी। मुझे बिल्कुल, मैं वकील हूँ इसलिए तो मुझे हैरत हो रही है कि आप अपनी मर्जी के जो रिमार्क्स हैं उनके ऊपर आप अपना केस बिल्ड कर रहे हैं, और जब मैं आपको बता रही हूँ कि उन रिमार्क्स के अंदर ये सवालात आ रहे हैं उस पर आप कह रहे हैं कि मुझे जो है वो पता नहीं है। मुझे भी बहुत कुछ पता है प्यारे भाई, आपको भी पता है, सो आप अपने सवालात जजमेंट का हिस्सा नहीं होता है। मैं अपना जवाब दे रही हूँ चंद सवालात के ऊपर जो जजेस कराम चंद सवालात उठा रहे हैं इस हवाले से, मैंने उसकी बात सवालात का कानून से ताल्लुक नहीं होता। डरे हुए क्यों हैं आप, इतने परेशान क्यों हैं? अब ये नाहली जो है रिट्रोस्पेक्टिव क्यों परेशान हूँ? तलवार आपके ऊपर लटक रही है, मैं क्यों परेशान हूँ? चौथी मरतबा वज़ीर आज़म आप पहले से बनवा चुके हैं, मैं क्यों परेशान हूँ? मैं तो बैठा हूँ अपनी जगह पे। आप तो भुट्टो साहब का केस लड़े हैं आज तक, आप तो नायल शख्स को सजा याफ्ता शख्स को पहले से चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना के बैठे हैं, मैं क्यों परेशान हूँ? परेशान तो आप है, कमाल डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। वैसे अपनी तरफ बात, आप परेशान ना हो, आपको अपने नाइली सरबरा को पहले नाइली से खत्म करा के फिर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म का दावा करना चाहिए। आपने तो लंदन में बैठ के जीरो रिस्क पे ऐलान कर दिया है। माजरा बड़ा क्लियर है, आपको पता है ये मतलब बहुत माइल्ड भी करके कहूँ तो ये बुगज़ा नवाज शरीफ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कि बजाय इसके कि एक तरफ कहते हैं हमने नई सियासत करनी है, हमने साफ सुथरी सियासत करनी है, हमने इल्जाम तराशी नहीं करनी, दूसरी तरफ जब खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि जिससे बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनका मसला क्या है, ये क्यों नहीं आवाम को मंशूर बताते अपना, ये क्यों नहीं लोगों को जो है वो उनके मसाइल की बात करते, इनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है और फिर बिलो द बेल्ट जाके करना है। दूसरों की बीमारियों पर मजाक उड़ाने के वक्त जो है वो उनको बड़ा हर दफा करते हैं, हम रिस्टेन का मुजाहरा करते हैं, लेकिन क्या जरदारी साहब दुबई में जाके इलाज नहीं कराते? क्या दुबई में जरदारी साहब का इलाज नहीं होता? होता है। अभी सिराज के ऊपर भी आप जो है बीमारियों को भी आपने, अगर इस लेवल पर पीपल्स पार्टी की सियासत आ गई है कि आपको बीमारियों पे और लाशों पे और उस पर सियासत करनी है तो गुड फॉर देम, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन एक बात जो दूसरी मुझे वो कह रहे हैं, हमने एनआईसीवीडी बनाया है, वहां पर जाकर इलाज करवा लें, अगर दिल का कोई प्रॉब्लम होता है, बहुत अच्छा अस्पताल हमने बनाया है, बाहर के चले। हाँ, वो जुम्मा जी मार्दिन का अस्पताल बनाया है एक, वो अस्पताल ही सिर पर लेकर जो टोकरा लिए फिर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर जो थर में लोग बच्चे मरते रहे, जो इनकी बैशिंग हुई पिछले 10 साल,
10 साल कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो है पिछले दौरे हुकूमत में 2-1 अस्पताल बना लिए, उसके ऊपर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, लेकिन उस अस्पताल को खिदमत खल्क के लिए इस्तेमाल करें ना, उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना है, फिर इमरान खान में इनमें जो है वो क्या है, फर्क क्या है? और आप दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाते हैं जब आप खुद जो है आपके हर बुजुर्ग आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, वो भी बीमार होते हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आप इमरान खान के लेवल पे उतरना चाहते हैं, उस हद तक उतर के ट्रोलिंग और वो करना चाहते हैं, तो फिर मतलब मैं क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन एक बात आदिल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज जो है अदालत ने यह भी कहा जो रिमार्क्स के मुताबिक हमारे मंदोखेल भाई के, उनके अंदर उन्होंने कहा कि आप कत्ल की सजा आईने पाकिस्तान में लिखी है, जवाब है नहीं, चीजें आईने पाकिस्तान में हर चीज नहीं लिखी जाती, आईने पाकिस्तान के नीचे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है जिसने इन चीजों को कैटर करना होता है, अगर ये इतना गलत होता ना इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम, तो आज वो उड़ा देते। वो बार बार क्यों कह रहे हैं, वो बार बार क्यों इलेक्शन एक्ट के साथ खड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसने ये कानून बना दिया है, अब हमारे कुछ करने की जरूरत क्यों है? और उनको बार बार कहा जा रहा है कि नहीं जी, ये जो फैसले पहले आए हैं, इस कंफ्यूजन को आप दूर कर दें तो बेहतर होगा, वरना आधे रिटर्निंग अफसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेंगे, आधे जो है वो इलेक्शन एक्ट को लेंगे। सो ये बहस हो रही है, इलेक्शन एक्ट अगर इतना बुरा लग रहा होता ना, और अगर बिल्कुल खिलाफ होता, आइन के खिलाफ होता, तो वो अभी तक उड़ा दिया गया होता, जैसे उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर उन्होंने उसको खत्म कर दिया था। राइट जी मनोखेल साहब, क्विकली और ये भी बताइएगा, आप लोग क्यों समझते हैं कि दोनों अहल और दोनों नाअहल हों? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात मेरी बहन ने कर दी है कि हमारे पास कुछ करने का बताने का तो है कि हमने अस्पताल बनाया NICVD पाकिस्तान के टॉप लेवल के 10 जिलों में, फ्री इलाज दिल का। हमने गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट बनाया पाकिस्तान का टॉप का, 1.5 से 2 करोड़ का इलाज फ्री। हमने SIUT बनाया किडनी का पाकिस्तान का टॉप अस्पताल कराची में। हमने बेनजीर ट्रामा सेंटर 15 मंजिल में पाकिस्तान के टॉप का जो हम बता सकते हैं। और मैं यहाँ पे इस हल्के में बैठा हूँ NA242 में, जहाँ शहबाज शरीफ साहब भी पंजा आजमाई कर रहे हैं, 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर करा है, यूनिवर्सिटी मंजूर करा है, 50,000 से ज्यादा गरीबों का रजिस्ट्रेशन बेनजीर करा है। सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, बीमारी की बात नहीं करेंगे। ना 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 ना, रुको, आप बात तो रिपीट कर रहे थे। देखे बात सुन, आदिल मुझे पूरी बात करने दे। बात यह है कि यहाँ आप आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप जरा उज़्मा बीबी ने जो सवाल उठाए मैं उसके जवाब दे दूँ ना। हम ये टोकरा जो लेके बकौले उज़्मा बीबी जो टोकरा हम लेके फिर रहे, ये टोकरा क्या शहबाज शरीफ के पास है? 5 साल पहले इस हल्के में आता जहां मैं बैठा हूं, कह रहे मैं लाहौर के रोड की तरह बनाऊंगा। आज किस मुंह से वो आ रहा है यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए? पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया, 1 रुपए का काम नहीं किया है। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना बन गए, एक हम ये टोकरा लेके कादिर खान मंदोखेल 9 अरब के तरक्याती काम, 50,000 की बेनजीर इनकम सपोर्ट की, 8 महीने नादरा की वैन की, यहां मैं जाल बिछा चुका हूं, काम हो रहा है। ये क्या टोकरा लेके घूमेंगे शहबाज शरीफ की मुझे वोट दो, आप तो वजीर आजम बन गए? ये नहीं कहता है, पिछले दिनों में अवारी टावर में कारकुनों को बुलाया, अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो मैं लाहौर कराची से लेके हैदराबाद मोटरवे बनाऊंगा, मैं टैंकर माफिया खत्म कराऊंगा। वो भाई आपका KFI मंसूबा आपके सामने पानी का, मेरे हल्के का, यहां आपने रिजेक्ट कर दिया है, अब आप कहते हैं मैं टैंकर माफिया को तो आपने फरोग दिया। दूसरा सवाल, हम कोई नहीं चाहता है कि नवाज के फैसले हो, सुन ले, हम ये कहते हैं कि फैसले हो बैक डेट में ना हो, कंसीडर फैसले हो तो आज से रह जो, ये बैक डेट वाला ड्रामा खत्म हो चुका है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए नेब ऑर्डिनेंस की सूरत में, लिहाजा दोबारा हम इस चीज की कभी हिमायत नहीं करेंगे। हाँ शहबाज नवाज शरीफ सब अल्लाह करे, कहानियां हम नहीं पसंद करेंगे, ना हम उसको हिमायत करेंगे, मुखालफत करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा, मीडिया के सामने करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में करूंगा, बैक डेट वाली कहानियां हम एक्सेप्ट करेंगे। तो टेक्निकली तो दोनों नाअहल हो गए ना, फिर एलियत कहां से आ गई? मैं आता अज़मा साहब आपकी तरफ, अज़मा साहब क्विकली, फिर मैंने मोहम्मद साहब की तरफ जाना। देखिए मेरे मंदोखेल भाई जो है ना, वो जज्बात और परेशानी में और टेंशन में इतने ज्यादा बेचारे आगे निकल गए कि K4 का मंसूबा K5 हो गया। जो पार्टी आज तक लोगों को पानी नहीं दे सकी वो अपनी कारकर्दगी की बात करती है। आपकी बात सुन ली ना, अब नहीं, अब नहीं, ऐसे नहीं मंदोखेल साहब, ऐसे नहीं, बड़ा मेहरबानी, ऐसे नहीं। जो ये 9 अरब रुपए का जो कह रहे हैं ना टोकरा, ये लेके कह रहे हैं वो फिर रहे बड़े, इसमें से जरा ये तो बता दें वफाक से कितने पैसे लिए थे आपने K4 के मंसूबे में? नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आपको कितने पैसे मिले? शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कितने पैसे मिले? और फिर आपको वो फंक्शन करना पड़ा जिसमें शहबाज शरीफ की तारीफें करनी पड़ी बिलावल साहब को खड़ा करके कि शहबाज पीर चाहिए सिंध को इस वक्त। और ये जो 9 अरब का टोकरा आप लेके फिर रहे हैं बकौल आपके अपने बड़े काम किए, तो डर क्यों रहे हैं? शहबाज साहब के कभी कागजात नामजदगी आप जो है चैलेंज करने जाते हैं, कभी आप दूसरे तरीकों से जो है वो डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत करें। 9 अरब रुपए आपने लगवाए में आपकी बड़ी कारकर्दगी है, तो आपको तो शेरों की तरह जाना चाहिए अपने हल्के के अंदर, जो मर्जी सामने आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मंदोखेल ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने तो सिंध में हॉस्पिटल बनाए, तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा काम किया, मगर शहबाज शरीफ ने क्या किया? 16 माह की हुकूमत में सिवाए अवाम को बेरोज़गारी के
आप लोगों ने दिया ही क्या है। और शहबाज शरीफ अब किस मुंह से सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं? क्या सिंध की आवाम को नहीं पता कि पानी का मंसूबा मंजूर हो चुका था मगर शहबाज शरीफ ने हमें फंड नहीं दिए? सिंध की आवाम शहबाज शरीफ से बखूबी वाकिफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की खातिर यहाँ आते हैं और जब इनका इक्तदार ख़त्म हो जाता है तो ये बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भाग जाते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ ने लंदन से वापसी पर आते हुए पहले ही कह दिया था कि मेरी बात हो चुकी है और ये ज़ीरो रिस्क पर वापस आए हैं, मगर इसके बावजूद अब इनका पाला जब PTI से पड़ा है तो ये इलेक्शन के मैदान में उतरने से ही घबरा रहे हैं और मुख्तलिफ अथकंडे अपना रहे हैं। कभी PTI के तमाम उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट करवाते हैं तो कभी हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती, मगर अवाम इनका मकरू चेहरा देख चुके हैं और किसी भी सूरत इनको इक्तदार में नहीं आने दिया जाएगा। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।